आए हैं असम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे दर पे आए हैं असम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर प्यार करना ओम शांति ओम शांति। आज की तारीख है 7/6/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग फिर से वही बात है कि पावन बनो तो हम उड़ने के लिए लायक बने, क्योंकि पावन बनने से हम आत्माएं बिल्कुल लाइट हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। और एरोप्लेन भी जब ऊंचाई पर जाता है तो हल्का हो जाता है, हल्का होता है तब वो उड़ सकता है। तो इसीलिए हमें भी हल्का बन करके अपने घर जाना है उड़ करके, तो उड़ने के लिए लाइट बनना पड़े। और लाइट बनने के लिए हमें अपनी स्थिति देही अभिमानी बनानी पड़े, अर्थात अपने को पावन बनाना पड़े। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो, हल्के हो जाएं। आज का प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए। अगर हम भयभीत हैं या अंदर भय के संस्कार हैं, भय का स्वभाव है, तो हम कभी भी माया रावण के साथ युद्ध करते विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि हम भयभीत रहेंगे तो माया हमें गुस्सा पे गुस्सा मारती चली जाएगी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। अब बताओ ऐसा बाबा को हम कहेंगे तो क्या बाबा तूफानों को रोकेगा, कि हमें तूफानों से टकराकर विजयी बनकर बाबा को दिखलाना है, क्या करना है? ये अभी निर्णय हमें करना है, आप भी निर्णय करो। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, हाँ बॉक्सिंग देखते हैं ना हम लोग, दो व्यक्ति आमने सामने गुस्सों से मारा मारी करते हैं। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे, दोनों आमने सामने एक दो पर वार करते हैं। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। अगर माया 10 मारती है तो हमें भी क्या करना पड़े, हमें भी बाबा की याद में उसको ज़रूर मारना पड़े, और यदि हम 10 मारेंगे तो वो भी सामने मारेगी ज़रूर। तो महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत भी बहुत अच्छा बजा है, हाँ जो बाबा हमेश कहते हैं सदैव माया से युद्ध करते याद रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरे गले का हार है। तो इसीलिए ये तो हमको जैसे कसम खा लेनी पड़े कि विजयी मैं ही बनूँगा और विजय मेरी निश्चित ही है। तो इसीलिए गीत भी ऐसा ही कसम का बजा हुआ है। गीत के बोल मैं आपको गा के सुनाती हूँ, एक लाइन, दर पे आए हैं कसम ले दर पे आए हैं कसम ले हम न जाएंगे तू सुन ले हम न जाएंगे तू सुन ले। हाँ तो ये माया से हम चैलेंज करते हैं कि हम तो कसम खाकर आए हैं
और हम बाबा के दर पर भी कसम खा करके आए हैं, इसीलिए हम तो किसी भी हालत में ना हार खाएंगे और ना ही हम प्रभु के दर से हटेंगे, न प्रभु के दर से जाएंगे। धारणा के लिए दो बातें, एक बात है अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, सिर्फ मुख से ज्ञान का वर्णन नहीं करना है, अर्थात सिर्फ कथनी नहीं करनी है, पर जो हम कथनी में लाते हैं, मुख से बोल बोलते हैं, जो वाचा से कहते हैं, वो हमारी धारणा के अंदर भी होना चाहिए, जीवन में भी होना चाहिए। याद की भी मेहनत करनी है, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी बात है बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, बाबा कहते हैं हम अपनी देह में भी ममत्व न रखें, ये देह भी मेरी नहीं। पूरा देही अभिमानी बन, कंप्लीट सरेंडर होना है, पूरा समर्पित होना है। वरदान है आज का, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हाँ, बाबा हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, तो हमें आप समान बनाने का वरदान दे रहे हैं कि मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं, मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आ जाता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ ये स्वतः ही स्मृति में आ जाता है। अब विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन है आज का, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं, वह कभी भी संगठन से अलग नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो हाथी है वो कभी भी बिना संगठन के अकेले नहीं रहता, वो सदा संगठन के बीच में ही रहता है। परंतु हमें ये विशेषता धारण करनी है कि हम रहें संगठन में परंतु हम अकेले अर्थात एक बाप की ही याद में बाप के साथ रहें। अच्छा, स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले ही संगठन में स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।